ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର ଲଭଲିନା, ଯିଏକି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଥିଲେ ଅଲମ୍ପିକରେ। ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ମ୍ୟାମ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍। ମ୍ୟାମ୍ କିଆ ବୋଲେଙ୍ଗେ, ଏକ ସାଲ ମେ ଦୁ ଦୁ ବଡ଼େ ଆୱାର୍ଡ ଅର୍ଜୁନ ମିଲା ଥା ପହେଲେ, ଫିର୍ ଖେଳ ରତ୍ନ ଆପକୁ ମିଲ ରହା ହେ, ୟେ ମୋମେଣ୍ଟ କିତନା ସ୍ପେଶାଲ ଥା ଆପକେ ଲିଏ? बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि एक ही साल में वैसे ओलंपिक क्वालिफाई करने के बाद फिर मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, उसके बाद अभी खेल रत्न मिल रहा है। और लेकिन मेरे लिए सबसे मतलब इम्पोर्टेंट साल था, क्योंकि मैं ज़्यादा ओलंपिक में फोकस कर रही थी और ओलंपिक से भी मैं मेडल ला पाई। और ये साल बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हुआ मेरे लिए, क्योंकि इस बार फिर खेल रत्न भी मिला मुझे। लेकिन खेल रत्न का इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, मेरे लिए सरप्राइज़ के जैसे है, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे अर्जुन मिला था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि खेल रत्न सबका सपना होता है, स्पोर्ट्समैन का एक सबसे बड़ा अवार्ड्स होता है, तो सबका सपना होता है और मैं अपना सपना जी रही हूँ, तो फिर बहुत बहुत ही ज़्यादा। लवलीना जी, ये अवार्ड जो है खेल रत्न अवार्ड मिलने के बाद मतलब कितना मोटिवेट होंगे आप, आपका परफॉर्मेंस को लेकर, आपका करियर को लेकर, ये कितना मोटिवेट करेगा, कितना हेल्पफुल रहेगा? मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मतलब ये अवार्ड्स तो मिल गया, लेकिन मुझे और भी ज़्यादा करना है, क्योंकि मेरा जो सपना है वो पूरा नहीं हुआ है, मुझे ओलंपिक में गोल्ड जीतना है। और इससे और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हमें रिकॉग्निशन मिल रहा है, और मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी, मैं जो मेरा सपना है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। और मैं अभी मतलब जो मेरा सपना है उसको पूरा करने के लिए अभी तक जो मुझे मिला है उसको छोड़ के बस मुझे पहले से स्टार्ट करना है, एकदम स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट करना है। अभी मैडम जी, इस लाइन पे जो जो करियर करना चाहते हैं, जो महिला या जो बच्चे, जो बच्ची जो करियर करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, क्या मैसेज देंगे उनको? पहले तो अगर बॉक्सिंग में आना चाहते हैं तो पहली बात तो खुद का कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और जैसे कि सेल्फ डिफेंस भी ये कर सकता है, हम किसी से डरेंगे नहीं और कोई भी सिचुएशन में खुद को हैंडल कर सकता है। जैसे कि हम रिंग में रहते हैं तो रिंग में जब खेलते हैं तो फिर मार खाना भी सीखते हैं और मारना भी सीखते हैं, हर चीज़ को कैसे हैंडल करें वो आते हैं। और मतलब माइंड गेम बहुत ज़्यादा होते हैं, कि हम आगे वाले को देख के कैसे खुद प्लान बना के उसका पंच को बचा के उसको मारे, तो ये सब भी बहुत कुछ जो हमारे नॉर्मल लाइफ के लिए भी काम में आता है। हाँ मैडम जी, एक बात जानना चाहेंगे, जो फिट इंडियन मूवमेंट भारत सरकार चला रहे हैं, मुहिम को जो आगे ले रहे हैं, वो मुहिम में आप जो लोग सब हैं, खास करके खिलाड़ी, प्रधानमंत्री भी बार बार आपको शो प्रमोट करते हैं, बोलते हैं लोगों को समझाने के लिए, वो जो मिशन चल रहा है वो कितना ज़रूरी है भारत के लिए, और फिट रहना, आप तो एक प्लेयर है, आपके लिए तो ज़रूरी है, और ख़ास करके लोगों को कितना ज़रूरी है जो कोविड की दौर पर हम चल रहे हैं अभी। फिट जो अभी गवर्नमेंट जो फिट इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं, साई चला रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सभी लोगों के लिए, सिर्फ स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पोर्ट्समैन तो वैसे भी फिट रहते ही है, ये नॉर्मल लोगों के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ करने के लिए पहले फ़िट रहना पड़ेगा, और जब हम फिट रहेंगे तो फिर हम कोई भी काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और फ्री माइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर बॉडी अच्छा चलेगा तो माइंड भी अच्छा चलेगा। तो सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बने और खुद को फिट रखने की कोशिश करें। आप पीएम से मिले थे, इस बार भी पीएम के मिलने के चांसेस है, पीएम के स्पीच, उनका जो जैसे कि कोई मेडल जीते उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, कॉलिंग करते हैं, वो कितना मोरल सपोर्ट देते हैं स्पोर्ट्समैन को? हाँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं। पहले तो ऐसा होते थे कि प्रधानमंत्री के नाम ही सुनने को मिलता था, लेकिन कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनसे कभी मिल पाएंगे। लेकिन अभी जो हम लोग खेल में आने के बाद जब ओलंपिक खेलने गए तो हर मैच के पहले प्रधानमंत्री जी कॉल करते थे, हमें हमें मोटिवेट करते थे, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और कुछ करके दिखाने का जोश होता है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो इतना फैमिली के जैसे बात करते हैं, जैसे मैंने उनसे पहली बार मिला तो उन्होंने मेरे मम्मी का हेल्थ के बारे में पूछा, तो इतनी सारी चीज़ अगर प्रधानमंत्री जी याद रखता है तो फिर हम लोगों को और अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू मैम, थैंक यू, कांग्रेचुलेसन वन्स अगेन। थैंक यू। आपण सुनते लवलीना बक्सर जी रही प्रतिक्रिया रखुते, डिटेल प्रतिक्रिया रखिले प्रधानमंत्री किभली भाव मोटिवेट करती, फिट इंडिया मूवमेंट के हेल्पफुल कर आगामी करियर किभली भाव से रखिए, और निश्चित भाव जो मैंने करियर करने
ଫିଟ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଥା ରଖିଲେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଖେଳରତ୍ନ ମିଳିଛି, ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି, ସେମାନେ ଆହୁରି ମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରସ୍ତ।